अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ समीन खान और आज आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही बेहतरीन और मज़ेदार से डिश। आज मैं आपको बनाना बताऊँगी कि शादियों वाली जो खीर होती है वो कैसे बनाते हैं घर पे। इसका फ्लेवर, इसका टेक्सचर बिल्कुल वैसे ही है जैसा आप शादियों में खीर खाते हैं। तो आइए देखते हैं इसे घर पे कैसे बनाते हैं। खीर बनाने के लिए यहाँ पे हाफ कप चावल लिए हैं, इसको अच्छी तरह से वॉश करके भिगो देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। अब पानी फेंक के इसे किसी भी कॉटन के कपड़े के ऊपर अच्छी तरह से फैला के सुखाएंगे। ये अच्छी तरह से सूख गए हैं, अब इसको ग्राइंड कर लेंगे। इसको बहुत बारीक नहीं पीसेंगे, बस हल्का दरदरा ग्राइंड करेंगे, देखिए कुछ इस तरह से। इसी के साथ एक टीस्पून केसर लेंगे, उसे दूध में भिगो देंगे। यहाँ पे कुछ बादाम लिए हैं मैंने, उसको भिगो देंगे, उसको छिलका उतार के उसको बारीक काट लेना है। साथ में किशमिश, चिरौंजी, काजू और पिस्ता लिया है बारीक कटे हुए। अब एक कप मिल्क पाउडर लेंगे, उसमें थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से ये हो गया है। अब इसे माइक्रोवेव करेंगे 1 मिनट के लिए। माइक्रोवेव करने के बाद इसका टेक्सचर कुछ इस तरह से होगा। इसको फिर से ठंडा करने के बाद 1 मिनट माइक्रोवेव करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसको एक बार फिर से थर्ड टाइम माइक्रोवेव करेंगे 1 मिनट के लिए तो इसका टेक्सचर कुछ इस तरह से हो जाएगा। हमको इसी तरह से खोया चाहिए था बना हुआ। 3 बार 1-1 मिनट माइक्रोवेव करने से इसका टेक्सचर कुछ इस तरह से हो जाएगा, ऐसे ही हमें चाहिए है। खीर में सोंधापन लाने के लिए इसमें डालेंगे इवेपोरेटेड मिल्क 1 कप। यहाँ पे एक बड़ी पतीली में 2 लीटर दूध डाला है, उसी के साथ इसमें पिसे हुए चावल डालेंगे और इसे अच्छी तरह से चलाते हुए पकाएंगे। इसे तब तक कंटिन्यूसली चलाते रहना जब तक इसमें एक बॉयल ना आ जाए। ये देखिए इसमें अब बॉयल आना शुरू हो गया है, लेकिन इसको चलाते रहेंगे। अगर इसको चलाएंगे नहीं तो चावल पूरे नीचे बैठ जाएंगे और उसमें लम्स पड़ जाएंगे। इसी तरह खीर में उबाल आने तक इसको लगातार चलाते रहना है। इसको मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए पकाया है, ये देखिए अभी गाढ़ा होना शुरू हो गया है और चावल दूध में अच्छी तरह से मिल गए हैं। अब इसमें हम डालेंगे शक्कर, इसमें 2 कप शक्कर ऐड करेंगे। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब इसमें डालेंगे पिसी हुई इलायची, केसर वाला दूध, इवेपोरेटेड मिल्क, इसको अच्छी तरह से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे खोया और ड्राई फ्रूट्स। खोया और ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से पकना शुरू हो गया है और ये खीर गाढ़ा होना शुरू हो गई है। अब इसमें मिलाएंगे हम केवड़ा। यहाँ पे मैं केवड़ा एसेंस यूज़ कर रही हूँ, इसे कुछ ड्रॉप्स ऐड करेंगे। अब इसको ढककर लो फ्लेम पे 15 से 20 मिनट पकाएंगे जब तक कि गाढ़ी ना हो जाए। इसे खोल के मैं आपको दिखा रही हूँ, ये आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से पक के तैयार है। खीर गाढ़ी हो गई है, हमको इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ही चाहिए है क्योंकि ठंडी होके और गाढ़ी हो जाएगी। बहुत ही मज़ेदार शादियों वाली शाही खीर बनके तैयार है। अब आइए इसे गर्म गर्म सर्व करते हैं। इस पर चांदी का वर्क लगाएंगे और इसे गार्निश करेंगे ड्राई फ्रूट से। तो ये थी मेरी आज की शादियों वाली शाही खीर की रेसिपी। आई होप यू ऑल लाइक इट। इसको ज़रूर बनाइएगा और बहुत ही मज़ेदार बेहतरीन बनके तैयार हुई है। और आप लोगों को अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसी के साथ इजाज़त, मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई रेसिपीज़ एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।